बिकॉज पिछले 2 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे जुखाम बुखार हो रखा है, तो मैं जुखाम में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, बट मैंने दवाई वगैरह ले रखी तो अब सही हूँ काफ़ी हद तक की। और जुखाम बुखार के चलते मुझे फीवर इतना ज़्यादा आया था पिछले 2 दिन में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बट अभी मैं सही हूँ, दवाई वगैरह ले रखी है मैंने। आज है दुर्गा अष्टमी की पूजा, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि का त्यौहार मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है, इसका यह दुर्गा अष्टमी की पूजा 8 दिन तक रहती है, सभी देवियों का 8 दिन तक जो है व्रत रहता है, उसके बाद रामनवमी होती है, दशहरा, और जो भी लखीमपुर से हैं उनके लिए तो जानते ही होंगे दशहरा का मेला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेला लगता है। जो भी लखीमपुर से नहीं है तो आप कभी लखीमपुर आइएगा, अभी आने वाला है दशहरा का मेला, तो होकर आइएगा। दशहरे के बाद हमारे दिवाली, दिवाली के पहले भी बहुत सारे फेस्टिवल पड़ते हैं उसके बाद तक, इसलिए नवरात्रि मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है त्यौहार रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि में। अभी की सुबह के 7 बज चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे 7 बजे सो के उठती है, बट ऐसा नहीं है, मैं 7 बजे नहीं सो के उठती हूँ, उठ जाती हूँ, कभी कभार लेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फुल वीक मैं बिजी रहती हूँ और हमेशा मैं कहती हूँ रहती हूँ पर क्या करती हूँ ऐसा। मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है कि एक फुल ब्लॉग डालूंगी जिसमें मैं अपना पूरा बिजी स्केड्यूल दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों के लिए मैं फुल ब्लॉग डालने के लिए ज़रूर से कोशिश करूंगी। अभी की सुबह के 7 बज चुके हैं, मैं फटाफट रेडी होती हूँ, फिर पूजा करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जो है हम पूरे दिन क्या करने वाले हैं। आज 2 से 3 दिन के बाद मेरा असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट होना है, तो मैंने सोचा आज संडे है, अपना असाइनमेंट वगैरह भी बना लेते हैं। अभी फटाफट मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद जो है पूजा वगैरह करते हैं, तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए नहा के आ चुकी हूँ और पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि रूम दीदी का है और मैं इसमें वीडियोस वगैरह मोस्टली शूट करती हूँ, पीछे का सेटअप उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, तो इसे इग्नोर करिएगा। फ़िलहाल के लिए भी मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो अभी मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है। फर्स्टली मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद मैं क्या आउटफिट पहनने वाली हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए सबसे पहले स्किन केयर करते हैं। स्किन केयर में मैं कुछ खास यूज़ नहीं करने जा रही हूँ, बस लैक्मे की क्रीम ली है मैंने, सॉरी लोटस की, और वैसलीन जो कि मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ वो मिल नहीं रहा है, अभी के फ़िलहाल के लिए मैं इसमें यही यूज़ करने के लिए जा रही हूँ। अभी मैं अपने आउटफिट दिखा देती हूँ, मैं क्या पहनने के लिए जा रही हूँ। मेरे यहाँ डिस्क का केबल बिगड़ा हुआ है, तो बस भैया आए हैं उसे सही करने के लिए। फर्स्टली मैं अपने आउटफिट दिखा देती हूँ, मैं क्या पहनने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि के दिन मैंने जो भी ड्रेसअप वगैरह कैरी किया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, जो कि मैंने गेट रेडी विद मी में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और पिन कॉमेंट में भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ फिलहाल के लिए, और जो मैंने रेडी होने का शूट किया है वो मैंने पूरा गेट रेडी विद मी जो मैं शॉर्ट्स पे डालती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी इसके ड्रेसअप वगैरह के जो लिंक वगैरह है, जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई किया है, वो फुल शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं जा कर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप परचेस कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ,
अभी जाते हैं हम, पूजा करते हैं, उसके माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मुझे क्या खाना है आज फास्ट में। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं आज एक आप लोगों के साथ साबूदाना की रेसिपी शेयर करूँगी। यूट्यूब पे बहुत सारे आपने रेसिपीज़ देखी होंगी, बट मैं आज आप लोगों के रेसिपी शेयर करूँगी। सो आप लोग देखेगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद मैं अपने लिए खाने के लिए साबूदाना बनाऊंगी, तो वो भी आपको पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। चलते हैं अपने लिए कुकिंग के लिए, मतलब आज फास्ट में कुछ खाएंगे तो वो डालते हैं। सबसे पहले मैं क्या खाने जा रही हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि मैं साबूदाना बनाने जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं साथ में, फटाफट आज साबूदाना बनाते हैं। मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा डर भी लग रहा है। मैं आप लोगों के साथ फर्स्टली कुकिंग में ब्लॉग में कुछ कुकिंग का डालने जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट के लिए। ये साबूदाना मैंने रात में भिगा के रख दिए थे, तो अभी चलते हैं, वो भीग चुके होंगे प्रॉपर। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं चल करके साबूदाना की खिचड़ी। मैंने ये रेसिपी किसी से देखी नहीं है, बस मैंने खुद के आइडियाज़ लेकर के बनाई है। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना मैंने सुबह सुबह ही भिगा कर रख दिया था, तो वो भीग चुका है अच्छे से, मैंने उसे सुखा लिया है। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म हो जाने दें। बस सिंपल सी रेसिपी है मेरी, उसमें मैंने जो है देसी घी डाला है, और व्रत में देसी घी का स्वाद ही बहुत अच्छा लगता है, और देसी घी से बनी हुई सारी बहुत चीज़ें मेरे को पसंद आती हैं। उसके बाद मैंने उसमें आलू डाले हैं, जब तक आलू गोल्डन नहीं ब्राउन हो जाते तब तक उन्हें फ्राई कर लें। उसके बाद आप चला कर देख सकते हैं, जब आपके ब्राउन थोड़े क्रिस्पी से हो जाएं आपके आलू, तो उसके बाद टमाटर डाल देते हैं। बस मेरी रेसिपी में थोड़ा सा यही यूनिक थिंग है, सबसे पहले मैंने टमाटर डाल दिया है, उसके बाद मैं जीरा डालती हूँ, क्योंकि जीरा मुझे जो है ज़्यादा पका हुआ पसंद नहीं है। तो बस मैंने अब जीरा उसमें डाला है, तो बस मेरी रेसिपी में यही खास चीज़ थी। तो जीरा डालने के बाद थोड़ा सा उसका हल्का सा जब वो भुन जाए तो उसमें जो टमाटर डालें, फिर टमाटर के ऊपर से उसमें सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट डालने के बाद टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने उसमें डाला है, थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, मसाले में कुछ खास नहीं ऐड करा क्योंकि हम फास्ट के लिए बना रहे हैं। तो उसमें मैंने डाल दिए हरी मिर्च, मूंगफली के दाने और आलू डाल दिया है। उसको थोड़ी देर बाद चलाने के बाद मैंने उसमें डाला है साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद थोड़ा सा उसको चलाएं, उसके बाद मैंने उसमें डाला था जो है ब्लैक पेपर पाउडर, एंड जो भी आपके पास और भी जो भी मसाला आप खाते हैं जो कि फास्ट के लिए सही है, तो आप वहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप जो भी मसाले ऐड करना चाहें उसमें वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया हुआ है। बस मेरी ये सिंपल सी रेसिपी थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, एक बार ट्राई करिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और किस किस को साबूदाना की खिचड़ी पसंद है मेरे को बताइएगा। और लास्ट में ध्यान रखिएगा, जब साबूदाना आपका बन जाए फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद उसमें थोड़ा ढक के रख दीजिएगा एक मिनट से, तो उसके बाद साबूदाना एकदम सुनहरा सा हो जाता है, अलग अलग सा हो जाएगा। तो फिर खाइए और टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ये रेसिपी मैंने यूट्यूब से नहीं देखकर बताई है, ये रेसिपी मैंने खुद से बनाई है, मम्मी का मेरी हैक था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हैक ये है कि साबूदाना को जब भिगा लें उसके बाद थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें, और लास्ट में जब आपका पक जाए तो उसको ढक के रख दें। तो साबूदाना वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जब भी मैं फास्ट रहती हूँ या कभी भी नहीं भी होती हूँ, जब मेरा मन होता है तो मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ, और मेरी फेवरेट है साबूदाना की खिचड़ी।
सो फिलहाल के लिए आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ट्राई किया था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पूर्णिमा प्लीज़ जो है कुकिंग के भी वीडियोस डाला करो, आप इतना बनाते हो तो क्यों नहीं डालते हो। तो बस मैंने उन लोगों के लिए भी डाला है ये वीडियो, आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं भी 2 घंटे रेस्ट लेकर आई हूँ, जैसा कि मेरे आँखों का काजल पूर्णतया फैल चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी चलते हैं असाइनमेंट वगैरह बनाने, क्योंकि आज मैसेज आया था, फिलहाल तो कल सबमिट होना था, पर 17 से स्टार्ट होना है। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, जब मैं आई थी असाइनमेंट बनाने तो उसका एक तरफ का तो स्टैंड है बट दूसरी तरफ का भाई साहब ये जा चुका है, मतलब ज़िंदगी में बड़ा ही दुख है। कैसे बनाएंगे असाइनमेंट यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, बिना स्टैंड के तो मेरे गर्दन में। तो पिछले 1.5 घंटे से मैं असाइनमेंट बना रही थी, मेरी गर्दन में हो चुका है दर्द। तो आज मुझे पता चला है इस टेबल की कीमत कि टेबल के थ्रू जो कितना काम मेरा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस टेबल में एक जुगाड़ बनाया है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या जुगाड़ बनाया है। इस टेबल के नीचे मैंने लगा ली है कुछ बुक्स, तो फटाफट मुझे 2 असाइनमेंट बचे हुए हैं जो बनाने हैं, तो मैं उसके थ्रू ईजिली बना लूँगी। तो ये है मेरा जुगाड़ के लिए, मैंने जो है इस टेबल के नीचे लगा ली है कुछ बुक्स, अब मुझे असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फटाफट असाइनमेंट बना डालते हैं, 17 को सबमिट करना है, उससे पहले एक दिन पहले मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, उसमें मोस्टली काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा हेडिंग वगैरह हाईलाइट करनी बची है जो कि मैं कर लूँगी। उसके बाद 17 को सबमिट करना है और आज है 15। अब मेरे को है सोना, मैं एकदम कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ अपने लोवर टी शर्ट में, और मैंने डिनर में खा लिया था साबुदाना की खीर। और उसके बाद जो है व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने शॉर्ट्स में डाला है कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया है, और उसके बाद पूरा गेट रेडी विद मी भी मैंने डाला हुआ है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी जल्दी से मेरी बाइटी फैमिली 1000 कम्प्लीट हो जाए, जब मैं आईफोन ले सकूँ, और उसके बाद मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, आपको डेली ब्लॉग्स डेली अपडेट्स दूँगी, और मैं फिर से ट्राई करूँगी, आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ एक नया ब्लॉग लेकर के आऊँगी।